यार बेसिकली जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है वो आता है कैलकुलेट SOP एंड POS यूजिंग ट्रूथ टेबल। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देगा। तो SOP पहले जान लेते हैं क्या होता है। SOP इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स को बूलियन अलजेब्रा के टर्म में हम लोग मीन टर्म बोलते हैं। इसको याद रखना आपको, मीन टर्म्स। और बेसिकली मीन टर्म्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो ओरिजिनल एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग वन एज्यूम करके चलते हैं, और जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं उनको हम लोग जीरो एज्यूम करके चलते हैं। ओरिजिनल से क्या है, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, और कॉम्प्लीमेंट से क्या, एक्स डैच, वाई डैच, जेड डैच। तो बेसिकली इतना ही कॉन्सेप्ट था। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। ये क्वेश्चन है, डिराइव द कैनोनिकल SOP एक्सप्रेशन फॉर अ बूलियन फंक्शन जी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल। ये क्वेश्चन है। तो ये SOP एक्सप्रेशन जब भी दे, तो ये इसका एक ट्रिक है। SOP एक्सप्रेशन में हम लोग नंबर ऑफ वन देखेंगे, वन जहाँ जहाँ आएगा उसी को लेकर चलना है। तो हम लोग देख सकते हैं इस रो में वन आया है, इस रो में ए की वैल्यू ज़ीरो है, बी की वैल्यू ज़ीरो है, सी की वैल्यू ज़ीरो है। तो हम एक, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, जो ज़ीरो है उसको कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो हम लोग ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, प्रोडक्ट है ना, बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, सी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स है, मिड टर्म्स है। ठीक, अब क्या है, अब इस रो में भी वन है तो इसके टर्म्स देखेंगे। ए की वैल्यू ज़ीरो है, बी की वैल्यू वन है, सी की वैल्यू ज़ीरो है। ए की वैल्यू प्लस ए की वैल्यू ज़ीरो है, ज़ीरो को कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। बी की वैल्यू वन है, बी को ओरिजिनल लेंगे, और सी की वैल्यू ज़ीरो है तो सी को कॉम्प्लीमेंट लेंगे। फिर यहाँ पे वन आया तो इस रो को लेके चलेंगे। ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू वन है, सी की वैल्यू ज़ीरो है। तो ए की वैल्यू वन थी तो ओरिजिनल ली है, बी की वैल्यू वन थी तो ओरिजिनल ली है, सी की वैल्यू ज़ीरो थी तो उसकी कॉम्प्लीमेंट ले ली मैंने। फिर लास्ट वाले में ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू वन है, सी की वैल्यू वन है, मतलब तीनों ओरिजिनल, प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये तो ये आपका आंसर हो गया। जनरली हमको इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि जी ए बी सी इज इक्वल टू, और ये जितना भी ये टर्म्स आपने लिखा है इसको यहाँ लाके उतार देना है, और उसके ऊपर लिख देना है द SOP कैनोनिकल एक्सप्रेशन इज ये दिस ऊपर वाला। यार SOP से यही ना हुआ कि सम। अब देखते हैं POS बेसिस पे क्वेश्चन। POS फुल फॉर्म इज प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ वेरिएबल्स। तो सम ऑफ वेरिएबल्स क्या होती है, सम ऑफ वेरिएबल को हम लोग मैक्स टर्म बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा में। और मैक्स टर्म की ये प्रॉपर्टी होती है कि ओरिजिनल को हम लोग ज़ीरो एज्यूम करते हैं, और कॉम्प्लीमेंट को हम लोग वन एज्यूम करते हैं। यही डिफरेंस होता है यार मिन टर्म SOP और POS में। आप इसको जनरली ट्रिक से कैसे याद रख सकते हो, आपको ट्रिक बता दे रहा। SOP में हम लोग वन देखेंगे, और इसमें जो कॉम्प्लीमेंट होंगे उनको हम लोग ज़ीरो एज्यूम करेंगे, और POS में हम लोग नंबर ऑफ जीरोस देखेंगे, और जो कॉम्प्लीमेंट होंगे उनको हम लोग वन एज्यूम करेंगे। ये बेसिक ट्रिक है, आपको इसे दिमाग में बैठा लेना है।
इसी बेसिस पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सो यार इसका पता ये ओरिजिनल मतलब एक्स वाई जेड और कॉम्प्लीमेंट मतलब एक्स डैच वाई जेड डैच जेड। तो ये ट्रिक आपको दिमाग में बैठा लेना है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। डिराइव ए कैनोनिकल पीयूएस एक्सप्रेशन फॉर अ बुलियन फंक्शन एफ रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल। तो ऐसे ट्रूथ टेबल दिया है, हमको बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है पीयूएस का। तो पीयूएस में क्या देखा है मैंने, ट्रिक क्या बताया, नंबर ऑफ़ जीरोज़ हम लोग देखेंगे। नंबर ऑफ़ जीरोज़ कहाँ कहाँ हैं, ये हैं। तो हम लोग इस रो को लेके चलेंगे। इस रो में क्या है, पी की वैल्यू जीरो है, क्यू की वैल्यू जीरो है, आर की वैल्यू जीरो है। तो जीरो जीरो है मतलब हम लोग ओरिजिनल को जीरो एज्यूम कर चलते हैं। तो हम लोग ओरिजिनल पी क्यू आर लिखेंगे, पी प्लस क्यू प्लस आर। और इसमें ऐसे नहीं कन्फ्यूजन है कि प्रीवियस वाले में मैंने ए इंटू बी इंटू सी किया था, इसमें प्लस क्यू कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये प्रोडक्ट ऑफ सम है, मतलब ये जो मैक्स टर्म होते हैं वो सम ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। तो हम लोग वेरिएबल्स का सम करेंगे, इसमें प्रोडक्ट नहीं करेंगे, और ऐसे करके फिर प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम है ना, और मैक्स टर्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो इंडिविजुअली हम लोग मैक्स टर्म का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि जो कि सम ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। तो यार चलो फर्स्ट तो सॉल्व हो गया, इसमें ये नहीं लेंगे, वन है वन है, नंबर ऑफ जीरोज वाला नहीं लेना है, जीरोज हाँ। तो पी की वैल्यू ज़ीरो है मतलब ये ओरिजिनल है, पी की वैल्यू ज़ीरो है ओरिजिनल है, क्यू की वैल्यू वन है, सॉरी हाँ क्यू की वैल्यू वन है और आर की वैल्यू वन है। तो प्लस आर कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि दोनों की वैल्यू वन है डॉट। अब देखेंगे कहाँ पे और ज़ीरो है, कि ये ज़ीरो हुआ, ये ज़ीरो हुआ, यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे पी की वैल्यू वन है, बाकी दोनों की वैल्यू ज़ीरो है। तो पी को कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, बाकी दोनों को ओरिजिनल ले लेंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट को हम लोग वन एज्यूम करते हैं, ओरिजिनल को ज़ीरो एज्यूम करते हैं, और दोनों की वैल्यू ज़ीरो है, और एक इस रो में ज़ीरो है। तो इसमें यहाँ पे पी की वैल्यू वन है, तो डॉट पी की वैल्यू वन है, वन को हम लोग कॉम्प्लीमेंट एज्यूम करते हैं, तो पी का कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू की वैल्यू ज़ीरो है, ज़ीरो को हम लोग ओरिजिनल एज्यूम करते हैं, तो ओरिजिनल ओरिजिनल क्यू लिखेंगे, और फिर आर की वैल्यू यहाँ वन है, तो वन को हम लोग कॉम्प्लीमेंट एज्यूम करते हैं, प्लस आर डैच। ठीक, ये आपका आंसर। ठीक है, बस यार इस वीडियो लेक्चर में इतना ही कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद कोई भी एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन नहीं है इस टाइप का जो आपसे छूट जाए। ये ऐसा कॉन्सेप्ट 10 मिनट में आपको फुली एक्सप्लेन कर दिया है। सो जाओ यार प्रिपरेशन इनिशिएट करो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।